नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जो SSC की साइट से दिल्ली हेड कॉन्स्टेबल की भर्ती आई है इस बारे में। इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी फ़ीस आप लोगों की लगेगी, इसमें जो है आप लोग का क्या सिलेबस रहेगा, फॉर्म किस तरीके से आप लोग को भरना है, टोटल कितनी पोस्ट है, ये सारी जो डिटेल है आप लोग को इस वीडियो में दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो पोस्ट है वो हेड कॉन्स्टेबल की है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग जो है 17/5/2022 से जो है इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म भराने लगे हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट है 16/6/2022। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है 16/6/2022 से पहले कभी भी इसका जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो है ऑनलाइन पेमेंट जो है आप लोग 17/6/2022 से पहले कभी भी इसकी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग का जो है जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर कोई डेट तो नहीं दी हुई है, पर इन लोगों ने मंथ दिया है सितंबर के 2nd या 3rd वीक में आप लोग के जो है इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन और नीचे से बात कर लेते हैं कि इसकी क्या सैलरी रहेगी और कितनी पोस्टें हैं। यहाँ पर इसका पे मैट्रिक्स पे लेवल दिया हुआ है 4th है, जो कि आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 25,500 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो टेबल दिया गया हुआ है जो कि हेड कॉन्स्टेबल मेल का है। ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सी कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, ये उस चीज़ का पूरा टेबल दिया गया हुआ है आप लोग को। तो टोटल जो मेल कैंडिडेट की जो पोस्ट है वो है 559 टोटल इसकी पोस्ट हैं। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट की। अपन बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, यहाँ पर जो है ये फीमेल कैंडिडेट को 276 जो है पोस्ट दी गई हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है टोटल जो पोस्ट हैं ये पूरी 835 आप लोग टोटल करेंगे तो 800 जो है 35 पर जो है भर्ती होने वाली है। अपन इसमें नीचे बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आप लोग को। जो है इसमें नेशनलिटी के बारे में यहाँ पर दिया गया हुआ है, और इसमें जो है एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें जो है 18 से 25 ईयर से पहले जो है वो लोग जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसा आप देखेंगे नोट बिफोर 2/1/1997 इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, और नोट लेटर देन 1/1/2004। ठीक है, तो आप लोग का जो है जो एज है वो आपको 27-28 अगर आप लोग के हो तो आप लोग जो है इसमें आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया हुआ है, तो आप लोग के पास से जो है उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग को जो है एज रिलैक्सेशन इसमें मिल पाएगा। अपन इसमें बात कर लेते हैं और नीचे नोटिफिकेशन की। ठीक है, यहाँ पर जो है बताया गया हुआ है, ये देखिए अपन जैसे एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है SC ST वालों को 5 ईयर, OBC वालों को 3। ठीक है, PWD अनरिजर्व वालों को 10, PWD OBC 13, PWD SC ST को 15। तो यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपन और इसमें नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, जो खेल कर आए हुए हैं अपने कंट्री की ओर से इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट ड्यूरिंग यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे दिया गया हुआ है, तो उन लोग को भी जो है अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं और इसमें नीचे यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जो है अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद आप लोग जो है इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अपन इसमें और बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन में। तो आप लोग को जो है 12th पास होना इसके लिए कंपलसरी है, तो ये आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, और आप लोग को जो है अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। इसमें जो है आप लोग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट आप लोगों से मांगी है। जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग नहीं आती है उन लोगों को मैं बता दूं, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग किस तरीके से जो है अपनी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, और उसमें मैंने अपनी स्पीड भी बताई है किस तरीके से मैंने जो है अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करी है। ठीक है दोस्तों, अपन इस नोटिफिकेशन की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे अपन और चलते हैं, ये आप लोग जो है नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे बताया गया है हाउ टू अप्लाई, तो इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो है फीस जो पेमेंट है जो है ऑनलाइन मोड से की जाएगी, और जो है जनरल और OBC कैंडिडेट वालों से 100 रुपीज़ इसका चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे SC ST फीमेल कैंडिडेट से यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन,
आप लोग अपने स्टेट वाइज देख लीजिएगा, जहाँ पर आप लोग को पास लगता हो, ठीक है, जाकर जो है ज़्यादा दूर आप लोग को नहीं पड़ता हो, आप लोग उस हिसाब से जो है सेंटर इसका सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसके पूरे सेंटर दिए गए हुए हैं, जहाँ पर आप लोग से जहाँ आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। बात कर लेते हैं अपन सिलेबस की, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इस तरीके का आप लोग का जो है एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। जब आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग जो है फिज़िकल के लिए जाएंगे, ठीक है, मेजरमेंट टेस्ट PNMT बाय दिल्ली पुलिस, ठीक है। फिर आप लोग का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, ठीक है, बाय दिल्ली पुलिस, ठीक है, वो 25 मार्क्स का होगा। जब आप लोग वो क्वालिफाई कर लेंगे, तो कंप्यूटर का जो है आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा, जैसे जैसे वर्ड एक्सेल इससे रिलेटेड जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग को जो है हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया, 100 नंबर का आप लोग का जो है पेपर होगा इसमें। यहाँ पर अपन सिलेबस की जो बात कर लेते हैं, इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आप लोग पेपर देना चाहेंगे। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आप लोग के जनरल अवेयरनेस, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, 20 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज आप लोग को 25 नंबर का, और कंप्यूटर का जो है एक्सेल वर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट WWW वेब जो है 10 नंबर का। तो ओवरऑल जो है टोटल 100 नंबर का आप लोग का जो है पेपर इसमें होगा। आप लोग से जो है इसमें इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे ये जनरल अवेयरनेस से इस टॉपिक से आप लोग से जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी और इंग्लिश लैंग्वेज, इन इन टॉपिक से आप लोगों से जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन के बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वर्ड प्रोसेसिंग, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिंग, टेस्टिंग मेल, ठीक है, फंक्शन, फॉर्मूले एक्सेल के, इस बारे में आप लोग से जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आप लोग के किस तरीके से आप लोग से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पर जो है फिजिकल एंट्रेंस अपन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट वालों से जो है अप टू 30 ईयर, जो कि ये रेस 7 मिनट और जो है 1600 मीटर की है, ठीक है। अबव 30 to 40 ईयर्स 8 मिनट और अबव 40 ईयर जो कि है 9 मिनट। यहाँ पर आप लॉन्ग जंप का देख सकते हैं और हाई जंप का जो है इसमें यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का भी इस तरीके से टेबल इन लोगों ने दिया गया हुआ है कि इस तरीके से जो है आप लोग का फिजिकल टेस्ट इस पर होगा, ठीक है। और अपन इस नोटिफिकेशन में नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी है, ठीक है दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से, ठीक है। यहाँ पर आपका चेस्ट है, चेस्ट के बारे में दिया गया हुआ है 78 सेंटीमीटर CMS, ठीक है, 82 CMS विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है जिनके हाइट अच्छी है, चेस्ट अच्छे हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं, ठीक है। अपन और इसमें बात कर लेते हैं नीचे, इसमें जो है यहाँ पर इसका आप लोग जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसको रीड करके ही जो है आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा जब आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, 25 नंबर का जैसे आप देखेंगे। और यहाँ पर आप लोगों से जो है 10 नंबर का जो है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्वालिफाइंग, ठीक है, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के जो है टॉपिक्स है इसमें जो है आप लोग से लास्ट में इसका टेस्ट होगा। यहाँ पर जो आप लोग से जैसे मैंने बताया था 10 मिनट्स इसमें आप लोग को दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है वर्ड से रिलेटेड आप लोगों से बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, इसके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज भी इन लोगों ने दिया गया हुआ है, अंडरलाइन, ठीक है, इटैलिक, जो फॉन्ट्स के बारे में, ठीक है, सेटिंग, फॉर्मेटिंग, ठीक है, प्रेजेंटेशन, PPT, MS वर्ड, इंसर्ट, यहाँ पर जो है इस बारे में फॉर्मूले, बोर्ड, एक्सेल, इन सब के बारे में जो है आप लोगों से पूछा जाएगा इसमें। तो आप लोग जो है अच्छे से कंप्यूटर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अपन और इसमें नीचे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है इसका फॉर्म फिलअप आप लोग को करना है, और यहाँ पर जो है आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, ठीक है। इसमें वैसे आप लोग को 10th मतलब 12th की जो है मार्कशीट, उस हिसाब से आप लोग को जो है फॉर्म में आपका नेम और ये सारी डिटेल जो है आप लोग को इसमें फिलअप करनी है, ठीक है। आप लोग इसमें कोई भी गलती नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोग को काफ़ी इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। फिर इसका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की कि किस तरीके से जो है आप लोग को फॉर्म इसमें भरना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो लोग इसमें पहले
तो उन लोग की जो है एक आईडी बन गई होगी, ठीक है। और जो लोग न्यू कैंडिडेट है वहाँ पर आप लोग को जो है इस तरीके का जो है न्यू यूज़र आप लोग जब ओपन करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा टाइप ऑफ आईडी, तो आप लोग जो है आईडी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस इस तरीके से तीन चार डॉक्यूमेंट होंगे, आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो लोग आप के पास जो हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालिएगा, ठीक है। आधार कार्ड आप लोग को यहाँ पर वेरीफाई फिर से आप लोग को यहाँ पर आधार कार्ड अपना डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अपना नेम जो आपकी मार्कशीट में है, ठीक है, फादर नेम मदर नेम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप लोग की 10th की मार्कशीट का नाम, आप लोग कौन से बोर्ड से हैं, सेंट्रल बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जिस भी आपसे बोर्ड से आप लोगों ने 10th पास किया है आप लोग बोर्ड डालिएगा। रोल नंबर डालना है आप लोग को अपना, कौन सी ईयर में आप लोगों ने पासिंग ईयर आप लोग का डालना है, ठीक है। मेल फीमेल कैंडिडेट आप लोग को सिलेक्ट करना है, आप लोग की हाईएस्ट जो है क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल ये आप लोग को डाल के सबमिट कर लेना है, सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास जो है सेकंड एडिशनल जो है यहाँ पर जो है पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें जो है आप लोग को डिटेल डालनी है, सिटीज़न आपका, ठीक है, आप लोग को मोलियन राइट चेक, तो आप लोग को जो यहाँ पर आपको कोई भी जो कि आपको कोई भी तिल वगैरह है तो आप लोग यहाँ डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है तो आप लोग यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को अपना एड्रेस, स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और आप लोग को यहाँ पर अपना जो है सारी डिटेल चेक करके प्रीव्यू करके सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को फिर सबमिट फाइनल कर देना है। अब बात करते हैं अपन आप लोग को अप्लाई जिन लोग की आई डी बन गई है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अपन बात कर लेते हैं इस फॉर्म की, तो आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी पूरी डिटेल फिलअप आएगी जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आईडी बनाई थी तब डाली थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद आप लोग को अपना जो है रोल नंबर ये सब डिटेल में यहाँ पर जो है डला हुआ आपको फिल ऑलरेडी मिलेगा। आप लोग अब ओबीसी से हैं, ठीक है, एज इलेक्शन आप लोग को चाहिए तो आप लोग जो है चेक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर कोई और सर्विसेज में गवर्नमेंट सर्विस में तो आप लोग टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का जो है कोई स्पोर्ट्स था, ठीक है, तो आप लोग इस पे जो है कोई सर्टिफिकेट आप लोग के पास है, ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को जो है आप लोग किस तरीके से इसका पेपर देना चाहेंगे, इंग्लिश या हिंदी मोड में, तो आप लोग वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आप लोग के आप लोग सेंटर, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, तो आप लोग सेंटर इसका सिलेक्ट कर लीजिएगा। तीन सेंटर इसमें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग जो ESM में अगर आप सर्विस में एम फोर्स में हैं तो आप लोग येस और नो बेस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एज इलेक्शन की जैसे मैंने बात की थी, येस और नो आपको चाहिए तो आप लोग इस पर येस और नो इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आप लोग वो भी इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी जो है आप लोग को रिलैक्सेशन जो है दिया गया हुआ है, ठीक है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें इस बारे में भी दिया गया हुआ है। आप लोग जो है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये आप लोग को जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है आप लोग का जो क्या कोर्स था, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको 12th जो है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन, तो आप लोग को जो है 12th यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने पास जो है कौन से ईयर में किया था, बोर्ड, उसके बाद आप लोग का नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पर जो है, ठीक है, रोल नंबर, और आप लोग परसेंटेज पे तो परसेंटेज डालेंगे, और जो CGPA वाले हैं सेंट्रल बोर्ड, जो लोग CBSE थे वो लोग जो यहाँ पर CGPA फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है लास्ट में आके आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। फोटो जो है आप लोग को सही तरीके से अपलोड करना है, और सिग्नेचर आप लोग को जो है इस तरीके से जो उन लोगों ने क्राइटेरिया बताया है 10 KB से 20 KB के अंदर आप लोग को जो है सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ पर आप लोग को एग्री पर और कैप्शन डाल के प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग का जो स्टेप रहेगा वो रहेगा पेमेंट का, ठीक है। तो जो लोग अपने जनरल और OBC के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों से 100 रुपये, और बाकी SC ST वालों के इसमें जो है कोई भी पेमेंट नहीं ली गई हुई है, तो आप लोग जो इस तरीके से उसका फॉर्म फिलअप कल ईजिली कर लेंगे। तो आप लोग कहीं गलती नहीं करिएगा इस फॉर्म में। आपको मैंने सारी डिटेल जो भी इस नोटिफिकेशन में थी वो मैंने आप लोग को बता दी है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आई होप आप लोग के जो सारे क्वेश्चन थे, जो भी आपके क्वेश्चन थे इस वैकेंसी से लेकर, तो आप लोग को मैंने सारे जो है इसका जो है आंसर दे दिए हैं इस वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।